गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल। कैसे आप सब? केम छक सका है, दिस इज दृष्टि। आज सीखने वाले हैं एक नया शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम देखेंगे कोई भी टू डिजिट नंबर रहने दो, उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है विद इन फ्यू सेकंड्स। पहले स्टेप्स, फिर एग्जांपल्स, उसके बाद है ट्रायआउट सेशन तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एंड स्पीड इंक्रीज करने के लिए। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड यूजफुल लग रहे हैं, जितना हो सके उतना शेयर करो एंड गिव इट अ थम्स अप आल्सो। लेट अस स्टार्ट। देखते हैं इसके स्टेप्स, देयर आर टोटल 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है। मेरे पास है 2 डिजिट नंबर एंड उसका लेना है स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल के यहां पे लिख देंगे, सेकंड डिजिट का स्क्वायर निकाल के यहां पे लिख देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट कर लेना, अगर मान लो यहाँ पे है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या रहता है, 2 का स्क्वायर रहता है 4, बट ऑलवेज एक्सप्रेस इट इन 2 डिजिट फॉर्म। मतलब 4 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे 04, 9 रहेगा तो 09 लिखेंगे। ठीक है, तो सिंगल डिजिट आ रहा है ना आंसर, तो उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करना है स्टार्टिंग में एक 0 ऐड करके। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग ने यहाँ पे आंसर निकाल के लिख दिया था, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डिजिट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो एंड उसको ये छोटे से 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। उन सबका मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा वो हम सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे। एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट्स प्लेस में हमेशा कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी दोनों स्टेप्स का आंसर आया है उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ये थे स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में दोनों का स्क्वायर निकाल के लिख दो, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर स्टार्टिंग में, सेकंड नंबर का स्क्वायर लास्ट में आएगा। टू डिजिट के फॉर्म में हमेशा उसको एक्सप्रेस करना है। सेकंड स्टेप में जो भी डिजिट्स उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में एंड देन ये छोटे वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना यूनिट्स प्लेस में कभी कुछ नहीं लिखना है, आगे उसके कंटिन्यू करना है। थर्ड स्टेप में जो भी 2 स्टेप्स में आंसर है ऐड करके लिख दो, हो गया काम खत्म। चलो थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 79 का होल स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों डिजिट्स का स्क्वायर निकालते हैं। 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे लिख दिया 49। 9 का स्क्वायर 81, तो उसके बाजू में लिख दो 81। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 में क्या करोगे, जो भी डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 7 एंड 9 है, उनको मल्टीप्लाई करके 63 आता है। 63 को ये छोटे वाले 2 से मल्टीप्लाई करो। 63 इंटू 2 गिव्स मी 126। कहाँ पे लिखेंगे, यूनिट्स प्लेस के यहाँ पे नहीं, उसके आगे लिखना है, तो यहाँ पे आएगा 126। हो गया काम खत्म। थर्ड स्टेप पे सिर्फ ऐड करना है, तो ऐड करके आई एम गेटिंग 6241। तो यस, 79 द होल स्क्वायर गिव्स मी 6241। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे 26 द होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में दोनों का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, बट मैं सिर्फ 4 नहीं लिखूंगी, आई विल राइट 04। हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देन 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 36। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 में यूनिट स्पेस के यहाँ पे पहले क्रॉस करके रख दो, देन इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 6 12 12 इंटू ये छोटा सा 2 गिव्स मी 24, तो यहाँ पे आगे लिख देंगे 24। फिर तो दोनों को ऐड ही करना है, 6 एंड यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 6, तो 26 द होल स्क्वायर गिव्स मी 676। लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ पे मान लो लिया 93 द होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो, यस यू राइट डाउन द स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे मैंने लिख दिया 81। सेकेंड डिजिट है 3, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 09। हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेकंड स्टेप में यूनिट स्पेस में यहाँ पे क्रॉस करके लिख दो, सो दैट हमें याद रहेगा वहां पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 27 2 गिव्स मी 54, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 54। थर्ड एंड लास्ट स्टेप में दोनों को ऐड करो, यहाँ पे आएगा 9 4 6 8, तो 93 द होल स्क्वायर इज 8 6 4 9। आई होप ये एग्जाम्पल्स करने के बाद तुमको समझ में आ गया रहेगा कैसे स्टेप्स अप्लाई करना है। तुम्हारे लिए ये ट्रायआउट सेशन, प्रैक्टिस करो, अपना स्पीड इंक्रीज करो एंड जल्दी जल्दी स्क्वेयर्स फाइंड करो 2 डिजिट नंबर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शॉर्ट ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप लविंग एंड एंजॉयिंग मैथ्स। एडियोस अमिगोस, थैंक यू।